महाराष्ट्र में नाटकीय घटनाक्रम के तहत देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री और अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि ये अजीत पवार का निजी फैसला है, न कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। शरद पवार ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भाजपा को समर्थन देने का अजीत पवार का फैसला उनका व्यक्तिगत निर्णय है, ये एनसीपी का फैसला नहीं है। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम इस फैसले का समर्थन नहीं करते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र में शनिवार को गठित हुई नई सरकार से नाखुश है। इससे पहले सुबह भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनसीपी के नेता नवाब मलिक बोले, महाराष्ट्र में सरकार गठन से शरद पवार नाखुश है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक ने शनिवार को कहा कि पार्टी अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र में शनिवार को गठित हुई नई सरकार से नाखुश हैं। इससे पहले सुबह भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।